ओके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक नई मेथड है कि अगर बार से अगर किसी का कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ये जो दिया है ना ऊपर जो बार दिया है, बार से किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं जैसे जैसे एक सम करता जाता हूँ और वैसे वैसे आपको समझाता जाता हूँ कि इसमें क्या करना है। तो एक सम ले लेते हैं पहले यहाँ पे, कि यहाँ पे 729 कितना है, 729 ये दिया हुआ है आपको। तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या करो आप, स्टेप वन में क्या करो कि जो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है ना, वहां से पैर बनाना स्टार्ट करो। क्या करो, पैर बनाना स्टार्ट करो और पैर के ऊपर बार लगा दो। क्या करो, पैर बनाना स्टार्ट करो और पैर के ऊपर बार लगा दो। 9 की पैर तो 2 के साथ होगी, तो वहां पे बार लगा दिया, और ये 7 तो 7 के साथ में हमने बार लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेप 2, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 7, लेफ्ट हैंड साइड पे 7, तो 7 किन किन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है 7 आता है, इन दोनों के बीच में क्या आता है 7, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों के बीच में 7 आता है, इसमें से छोटा नंबर कौन सा होगा, 2 होगा, कौन सा होगा 2, तो यहाँ पे 2 ले लो। अब 2 को उससे मल्टीप्लाई करो, क्या कौन सा है छोटा नंबर 2, तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो, तो 2 को स्टेप 3 उसको उससे ही मल्टीप्लाई करो, तो 2 क्रॉस 2, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2 मीन्स कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना आया नीचे 3, और जो ऊपर जो बार था उसको ऐसे का ऐसे नीचे उठा लो, क्या करो नीचे उतार दो। अब स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप नंबर फोर में जो यहाँ पे जो नंबर था ना उसका डबल कर दो, यहाँ पे जो नंबर था उसका डबल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 4। क्या करना है, जो नंबर आपको दिया था उसका क्या कर देना है डबल, क्या कर देना है डबल, और यहाँ पे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं पोर्शंस, ओके इसको डबल कर दिया। फिर अब सोचो कि 4 के पीछे क्या लगाएंगे, ऐसे मान लेते हैं कि 3 क्रॉस 3 9 होता है, ओके और 7 क्रॉस 7 भी 49 होता है, तो 43 क्रॉस 43 भी हो सकता है स्क्वायर, और 49 क्रॉस 49 का भी 49 नहीं 47, तो 40 क्रॉस 47 तो ये भी 7 7 जा, तो इसमें भी 9 आएगा, तो ये 4 के पीछे या तो 3 हो सकता है या तो 4 के पीछे 7 हो सकता है, क्या 4 के पीछे या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है, तो क्या लेंगे हम, अगर देखो तो 43 क्रॉस 43 करो तो ये आता है 329 नहीं आएगा ना, तो ये नहीं आएगा। अब 47 क्रॉस 7 करो तो ये कितना हो जाएगा 7 9 3 20, ओके तो 329 आ गया, तो इसका आंसर क्या है, उससे क्या पता चला कि 47 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 329 आएगा, तो 47 तो यहाँ पे 47 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आया आंसर 3 0 आ गया, तो ये ऊपर जो आया ना वो ही आपका है स्क्वायर रूट 27। ओके पहले तो यूनिट डिजिट से पैर बना लो, उसके बाद जो लेफ्ट वाला जो नंबर है उसको देखो कि ये कुन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, उसमें से छोटा नंबर निकाल लो, तो छोटा नंबर 2 निकाला उसको उससे मल्टीप्लाई करो, तो ये जो नीचे जो बचता है फिर इसका डबल करो, और फिर देखो कि ये 9 यूनिट डिजिट कब आता है, तो अगर 3 होगा तो आएगा और 7 होगा तो आएगा, तो 43 क्रॉस 43 करो तो नहीं आता, तो उसका आंसर क्या हुआ कि 47 आएगा, तो 47 क्रॉस 7 ये आपका आंसर आ गया। ओके वैसे चलो अब मैं दूसरा भी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, 1296 दूसरा क्वेश्चन, 1296 अभी देखो मैंने जो बोला हो, स्टेप वन पहले बार बना लो, तो बार बना लिया, 12 किन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, 12 किन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 4 के स्क्वायर के बीच में आता है और 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है, दोनों में से छोटा नंबर कौन 3, तो पहले 3 लिखो यहाँ पे, तो 3 लिखा ओके। अब
ऐसा डायरेक्टली ऐसा नहीं कर देना 3, 4, 12 ऐसे नहीं, जो यहाँ पे लिया है उसको उससे मल्टीप्लाई करो तो 3 × 3 तो क्या आएगा 9, तो क्या आया है नीचे 3, 9, 6। अगेन 6 × 6 में पीछे 6 आता है और 4 × 4 में पीछे 6 आता है, तो फाइंड करो कि 64 × 4 करते हो तो आंसर आता है कि 66 × 6 करते हो तो आंसर आता है। तो ये जब आप दोनों का करोगे ना तो 66 × 6 करोगे तो आपका आंसर आएगा, तो 66 × 66 क्योंकि ये 3 का डबल यहाँ पे लिखना है ना तो 6 लिखा, तो अब या तो यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे भी 4 आएगा, या तो यहाँ पे 6 आएगा या तो 6 आएगा क्योंकि ये पीछे 6 है, तो यहाँ पे आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि 6 आएगा, तो यहाँ पे भी 6 लिखा तो यहाँ पे भी 6, तो 3, 9, 6 तो 0, 0, 0 तो ये आपका 36, ये क्या हो गया 1296 का स्क्वायर रूट हो गया। अभी देखो अगर ये हमने बात की परफेक्ट स्क्वायर की, अगर नीचे कुछ बचता है ये करने के बाद भी अगर नीचे कुछ बचता है तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 99 का स्क्वायर बनाने के लिए उसमें से 198 को कम करना पड़ेगा और ये भी 74 का स्क्वायर बनाने के लिए 131 कम करना पड़ेगा, मीन्स 5607 में से अगर 131 काटेंगे तो 74 का स्क्वायर होगा और 9999 में से अगर 198 काटेंगे ना तो वो 99 का स्क्वायर होगा। वैसे ही यहाँ पे 1300 तो 1300 में से अगर 4 काटेंगे ना तो ये 36, तो ऐसे आप प्रोसेस करते जाओ, क्या ऐसे आप प्रोसेस करते जाओ, अगर नहीं बन रहा है तो उसका मीनिंग, अगर कुछ आ रहा है रिमाइंडर में तो उसका मीनिंग कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको इससे सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।